मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में डूब प्रभावित को लेकर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल ने राजघाट में जाकर डूब क्षेत्र का दौरा किया। उसके एक दिन बाद मध्य प्रदेश सरकार के NVDA मिनिस्टर और टूरिज्म मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल व बड़वानी कलेक्टर व SP के साथ बड़वानी कृषि उपज मंडी में नर्मदा बचाओ आंदोलन व डूब प्रभावित की सुनी समस्या। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर व डूब प्रभावितों ने डूब प्रभावितों के संबंध में मंत्री को पुनर्वास व मुआवजे की विसंगतियों के बारे में बताया, जिस पर मंत्री ने कहा जो समस्या हमारे दायरे में है उन्हें जल्द दूर किया जाएगा और हमारे द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि डूब क्षेत्र की जनता से अच्छा व्यवहार किया जाए और डूब क्षेत्र की जनता से भी अधिकारियों से सहयोगपूर्ण रवैया अपनाए जाने का निवेदन किया। कहा गुजरात सरकार ने बांध के गेट बंद कर दिए जिससे डूब क्षेत्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारी सरकार मुस्तैदी से डूब प्रभावितों के लिए काम कर रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। डूब प्रभावित तो है, परचम में विधायक था, इनके साथ में साथी के रूप में परिवार के रूप में मैंने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है और आज समय हम देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु कितनी ज़्यादा है। गुजरात का रुख क्या है, गुजरात सरकार से भी हमारी चर्चा हो रही है और वर्षा ऋतु इतनी ज़्यादा हो रही है कि गुजरात सरकार ने जो पानी कुछ छोड़ा आज बांध के गेट वापस बंद कर दिए, उसका प्रभाव डूब क्षेत्रों पर आ रहा है। पुनर्वास को बहुत सारी कमियां हैं, पुनर्वास बहुत लोगों का होना है। हमारी मध्य प्रदेश के सत्य कमलनाथ जी की सरकार और उस विभाग के मंत्री होने के नाते पूरी मुस्तैदी से हम लोग डटे हुए हैं कि जो आंदोलनकारियों की मांग है, डूब प्रभावितों की जो मांग है, उन मांगों का हम क्रियान्वयन कैसे जल्दी से जल्दी करें। समय लग सकता है पर प्रयास में हम अग्रसर हैं, प्रयास हम कर रहे हैं। डूब क्षेत्र के लोगों को प्रशासन द्वारा सख्ती से उठाया जा रहा है, 3 सेटों में भरा जा रहा है, ना भोजन की व्यवस्था है ना मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था। देखिए, आपने जहाँ भोजन की व्यवस्था करीब की बात बोली है तो जो हमारे पुनर्वास स्थल है जहाँ पे पुनर्वास स्थल पे लोगों को ले जाया जाएगा वहाँ पे भोजन की व्यवस्था करने के लिए निर्देश है। पशुओं की आपने बात की है, पुनर्वास स्थल जहाँ पे है जहाँ पशुओं की व्यवस्था की गई है वहाँ पे हमारी सरकार पूरा चारे की आवश्यकता है पूरी तरीके से करेगी। और एक बात उन्होंने और कही कि जब खेती बाड़ी का समय आ जाए तो हमारे पशुओं को वापस लिया जाए, ले जाने की व्यवस्था भी करेंगे, लाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार करेगी। जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश